सेट किया हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह 38 ये स्टेबल है। ये सेट वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है, ये भी सेट वैल्यू लिखी हुई है, ये एक्चुअल वैल्यू है जो इंक्यूबेटर के अंदर की है। अच्छा, इसमें ये इंडिकेशन है, ये इंडिकेशन जो है ये फ़ैन की है, ये हीटर वन है, ये हीटर टू है। अगर एक काम नहीं करता, फेल हो जाता है या हीट कम है तो दोनों हीटर ऑन होंगे, अगर हीट नॉर्मल चल रही है तो एक हीटर चलेगा। ये हमारी जो इंडिकेशन है अप डाउन ये ट्रेस की रोटेशन की है, स्टेप बाई स्टेप आपको सारा कुछ चेक करवाएंगे। उसके बाद ये इंडिकेशन वेट जो लिखा हुआ है ये ह्यूमिडिटी की है, जब ये चलेगी इसका मतलब है हमारी ह्यूमिडिटी कम हुई है तब ये चलेगी। 55 से 55 पे जैसे ये पहुँचेगा ये चीज़, तो ये वेट जो है ह्यूमिडिटी सिस्टम ऑन कर देगा। टेम्परेचर 37.8 पे जैसे पहुंचेगा ये हीटर वन ऑन हो जाएगा, 37.8 से जैसे मज़ीद नीचे आएगा तो हीटर टू ऑन हो जाएगा। इसमें अब आपको हम दिखाते हैं कि हमने ह्यूमिडिटी को कैसे सेट करना है, कैसे इसकी एडजस्टमेंट करनी है। क्योंकि शुरू के दिनों में ह्यूमिडिटी हमें 60 तक ही चाहिए, बेहतरीन है 60, और आखिरी दिनों में हमें 65 से 70 तक चाहिए होती है। तो इसको सेट जो बटन है इसको सिंगल प्रेस करना है। यहाँ पे आ गया टेम्परेचर, टेम्परेचर को हम यहाँ से अप डाउन कर सकते हैं, 37.8 हमने इसको कर दिया। उसके बाद ह्यूमिडिटी इसको दोबारा ओके करेंगे, इसको एक दफ़ा सेट दबाया, दूसरी दफ़ा इसको ओके कर दिया। जैसे ओके करेंगे तो ऑटोमेटिक ये ह्यूमिडिटी भी आ जाएगा, यहाँ पे HS लिखा हुआ आ रहा है। ह्यूमिडिटी जो हमारी इस टाइम सेट वैल्यू आ रही है वो 60 आ रही है, इसको हम बढ़ा देंगे, 65 कर देता हूँ फ़िलहाल मैं इसको। जैसे मैंने 65 किया तो हमारा ये वेट जो है ये भी ऑन हो गया, टेम्परेचर हमने 37.8 किया हुआ है तो हमारा ये फ़ैन भी साथ में ऑन हो गया है। ओवर हीट एग्जास्ट जो हमने यहाँ पे लगाया हुआ है ये आपको शो करवा रहा होगा, ये चल रहा है यहाँ पे, ये देखो ये लगा हुआ है। इसका टेम्परेचर जो है हम दोबारा वही वैल्यू जो हमने इसको दी हुई है वही रखेंगे, एक दफ़ा हमने सेट दबाया 37.8, इसको ओके करेंगे और उसके बाद ह्यूमिडिटी जो है हमने जो इस पर सेट की हुई है 60 उसी को ही इस पर लाएंगे, जो इस जिस हिसाब से इसकी सेटिंग हुई पड़ी है ओके कर देंगे। इस टाइम फ़ैन चला था, ह्यूमिडिटी उसकी काफ़ी कम हो गई थी इसलिए 55 पे पहुंच गया है। जैसे इसकी ह्यूमिडिटी पूरी होगी तो ये इसको ये इंडिकेशन हमारी बंद हो जाएगी और ह्यूमिडिटी सिस्टम भी हमारा ओके हो जाएगा। इसके बाद हम आपको दिखाते हैं जनाब इसको खोल के इसका ओवरऑल व्यू, रेस की रोटेशन वगैरह बाकी चीज़ें सारी। ये हमारा हीट पोर्शन है, इसमें ये हमने फ्लोट स्विच लगाया हुआ है जो ऑटोमेटिक काम करेगा। यहाँ पे हमने पाइप लगाना है, ये सुराख हमने यहाँ पे दिया हुआ है, ये सुराख हमने दिया हुआ है ये, और ये कैन है इसमें हमने पानी फुल डाल देना है। यहाँ से पाइप लगेगा एक, वो हम साथ देंगे, तो अब पैकिंग कर रहे थे इसलिए हमने सारा कुछ इसमें से निकाल लिया है। यहाँ से पाइप लगा के इसके ऊपर लगा देना है, अंदर से सुराख में से गुजार के पानी का सिस्टम जो है वो हमारा ऑटो हो जाएगा, पानी की टेंशन हमारी ख़त्म हो जाएगी। बस हम यहाँ से मॉनिटरिंग करेंगे, अगर पानी कम हुआ तो हम इसी में डाल देंगे, नीचे पानी हमारा फ्लोर से की वजह से फुली ऑटो हो जाएगा। अब आपको इसको खोल के दिखा देते हैं हम और ट्रेस की रोटेशन चेक करेंगे हम कि ट्रेस हमारी काम कर रही है कि नहीं कर रही। टेम्परेचर अल्हम्दुलिल्लाह 30 यहाँ पे खोला है, इसको थोड़ा सा कम हुआ है 2 पॉइंट, ये देख लें 38 37 38, अलहमदिल्ला टेम्परेचर हमारा सब पे बिल्कुल बराबर आ रहा है। 38 जो हमने इसको कमांड दी उस हिसाब से बिल्कुल एक्यूरेट आ रहा है। 37.8 पे जैसे पहुंचा हीटर वन ऑन हो गया, मज़ीद इससे कम होगा तो हीटर टू भी ऑन हो जाएगा। इस टाइम ये 2 बल्ब चल रहे हैं, अभी 2 बल्ब जो है बंद थे, अभी ऑन हो रहे हैं, अगर उसकी ज़रूरत पड़ेगी तो वो उसको ऑन कर देगा। अच्छा, ये हीटर वन और हीटर टू हमारा दोनों इस टाइम ऑन हो गए क्योंकि टेम्परेचर हमारा जो हमारी वैल्यू थी जो कमांड थी उसके उससे मज़ीद कम हो गया था इसीलिए। अच्छा जी, उसके बाद हम आते हैं ट्रेस की रोटेशन की तरफ। ये जो बटन है ऊपर वाला, ये वाला अप एरो का निशान जिसका ऊपर की तरफ है, ये सिंगल प्रेस करेंगे हम तो हमारी डाउन जो है इंडिकेशन वो ऑन हुई है, तो ट्रेस रोटेट नहीं हुई क्योंकि हमने इसको अप पे सेट किया हुआ। इसको छोड़ के दोबारा हम उसी टाइम दबाएंगे और दबा के रखेंगे, इसको हमने छोड़ा और इसको दबा दिया, ये देख लें ट्रेस अब रोटेट कर रही हैं बकायदा दोनों ट्रेस, ये देख लें ये
मीटर घूम रहे हैं बकायदा, ये ट्रेस दोनों प्रॉपर रोटेट कर रही हैं और बिल्कुल स्मूथ बे आवाज़ रोटेट कर रही हैं। अगर आप मैनुअल चेक करना चाहते हैं, ये आपकी इंडिकेशन जब ऑन होगी और इसको आप दबा के रखेंगे तो ट्रेस हमारी ये रोटेट कर रही हैं, ये आप दे सकते हैं। नीचे हमारी हैचर ट्रे है, इसमें 100 तक अंडे आराम से आ जाते हैं। ये हमारी 70 से 80 की कैपेसिटी की ट्रेज हैं, एक ट्रे पे 70 से 80 अंडा आ जाता है। 18 दिन तक अंडा आपने इस पे रखना है, 18 दिन बाद आपने अंडा उठा के नीचे रखना है और यहाँ से आपने ह्यूमिडिटी 65 कर लेनी है। टेम्परेचर जो है वो बेशक यही रहने दें, टेम्परेचर को ना भी छेड़ने कोई इशू नहीं है। ह्यूमिडिटी यहाँ से आपने 5 पॉइंट सिर्फ बढ़ा देनी है, 65 तक आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। टोटल एलुमिनियम हमने लगाया, एनर्जी एफिशिएंट कंट्रीब्यूटर है, एनर्जी सेविंग है, फ्लोट स्विच उसमें लगा हुआ है, पानी का सिस्टम भी ऑटो है, फुल्ली ऑटो इंक्यूबेटर है, बिल्कुल बेआवाज़ इसको हमने बंद कर दिया। इसमें हमने ये लॉक भी लगाया हुआ है। अभी हम देखते हैं कि कितनी देर में अपनी टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को पूरा करता है। XM18 कंट्रोलर के साथ 150 कैपेसिटी, मार्केट के मुकाबले में बहुत ही ज़्यादा कम कीमत में हम इंक्यूबेटर कस्टमर को देते हैं। अगर आप भी बनवाना चाहते हैं तो ऑर्डर कर सकते हैं। नॉर्मल इस इंक्यूबेटर का तकरीबन 4 से 5 दिन हफ्ते तक का टाइम होता है, इसके अंदर अंदर आपको रेडी होके मिल जाएगा। पेमेंट टोटल हमारी एडवांस होती है और कार्गो अवेलेबल है और ऑल ओवर पूरे पाकिस्तान TCS के थ्रू भी होम डिलीवरी या इंक्यूबेटर आपके घर तक पहुंचेगा। इसके अलावा बिल्टी के ऑप्शन भी मौजूद हैं, जिस तरह कस्टमर मुतमिन होगा उस हिसाब से हम कस्टमर को भिजवा देते हैं। 150 कैपेसिटी फुली ऑटो इंक्यूबेटर ओवरऑल आप देख लें, इसमें ये वोल्ट मीटर हमारा लगा हुआ है, हमें पता लगता रहेगा कि वोल्टेज कितने आ रहे हैं ताकि कस्टमर को परेशानी ना हो। 206 वोल्ट आ रहे हैं। बल्ब भी हमने इसमें छोटे लगाए हुए हैं, ये देख रहे हैं आप, बिल्कुल छोटा बल्ब लगा हुआ है, इससे बिजली का खर्च भी कम है और हीट भी ये बहुत अच्छी देते हैं। और इसके बाद ये हमने इसमें लाइट लगाई है डिस्प्ले के लिए, अगर आप देखना चाहते हैं कि क्या सूरत हाल है अंडों की। उसके बाद ओवरऑल ये व्यू देख लिया आपने, ह्यूमिडिटी स्लो स्लो बढ़ रही है। इसमें ह्यूमिडिटी सिस्टम जो हमने रखा है वो स्लो स्पीड रखा है, लेकिन ये स्टेबल रहती है क्योंकि उस दौरान पहले जब हम वीडियो बना रहे थे आपने देखा होगा ह्यूमिडिटी टेम्परेचर हमारा बिल्कुल स्टिल जा रहा था, जब एक दफ़ा पूरी होती है तो बिल्कुल स्टिल जाती है, ओवर नहीं होती है।